क्या आदमी है कि ढक्कन है? बाहर गंगा मैया बह रहा है, इतना बड़ा घर में अंग्रेजी बाथरूम लगा के दिए हैं इनको, फिर भी घर के आंगन में गंदगी धो रहे हैं। बताइए, हम अपनी गंदगी नहीं धो रहे हैं बच्चों, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित कर रहा। अच्छा, कौन पाप किए हैं? अपने खून पसीने की कमाई से तुमको कॉन्वेंट में डाला तो तुम मास्टर की कुर्सी पे अल्पिन रख दिया। वो तो हमारे बचपन के दिन थे ना पापा। हाई स्कूल में दाखिला कराया तो कागज का रैकेट बना बना के टीचर पे फेंका। वो तो हमारे खेलने खाने के दिन थे। और कॉलेज में जब एडमिशन कराया तो लेडी लेक्चरर को प्रेम पत्र लिख डाला। वो तो जवानी में फिसल गए हम। और जब इतना मेहनत करके तुमको एक नौकरी दिलवाया तो तुम नौकरी पे नहीं जाते। अब ये बताओ, ये तुम्हारे कौन से वाले दिन? बस बहुत हो गया। अरे कान पक गया हमारा रोज का बकवास सुनकर। तुम्हारा कौन नौकरी दिलाया हो तुम? कहीं का लाड कवर ना बना के रखे हो का? अरे इतना पढ़ा लिखा जीनियस आदमी, क्या नौकरी दियो एक क्लर्क का, वो भी एक तेल की दुकान में 20 रुपए रोज। अरे इतना तो एक कैलकुलेटर कर लेता है, 50 रुपए में मिलता है प्लेटफॉर्म पर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, चर्बी चढ़ गई है, अब तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। तुम यहाँ से निकल जाओ। अरे माँ, नहीं पापा, हमको माफ, हमको घर से मत निकालिए प्लीज, हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ। यही सोच रहे हो ना, यही उम्मीद कर रहे थे कि हम तुमसे माफी मांगेंगे। जा रहे हैं दिल्ली, वहाँ दोस्त रहता है हमारा सिद्धू, मदद करेगा हमारी, लाखों कमाएंगे, राजा की तरह रहेंगे, समझे? और आप यही ना मास्टरगिरी फुरफुर करते रहना यहाँ मिस्टर रामदेव शास्त्री। तुमने अपने पापा का नाम लिया? अरे कौन पापा, कैसा पापा, किसका पापा है? अभी अभी इन्होंने कहा ना हमारा तेरा रिश्ता खत्म, तो जब इन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया है तो हम अपने मुँह से इनका नाम क्यों लेंगे? सुषमा देवी। सुषमा देवी, सुनिए सुनिए सुनिए, अब हमारा भी नाम लेता है ये नालायक। बस बस, ये फिल्मों में बहुत देखे हैं मिस्टर रामू।